हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सुबह सुबह मम्मी ने कर दिया ऑर्डर कि जाओ और जाके कुछ मिठाई उठाई लेके आओ। मैं जा रहा हूँ फिलहाल मिठाई लेने, फटाफट तैयार तो मैं हो गया हूँ। जल्दी से नाश्ता मैंने कर लिया है तो मैं चलता हूँ मिठाई उठाई लेने के लिए कि जन्माष्टमी ऐसे तो मैं तो वो क्या हुआ तो मैं तो यकीन करता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मम्मी पापा यकीन करते हैं तो उनकी वजह से जाना पड़ता है। तो मैं मिठाई लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मिठाई और खोवा मावा जिसे बोलते हैं वो लेके आता हूँ, ताकि घर में रात को कुछ बनाएँ, ट्राई हुई हैं तो उनके लिए कुछ बनाना है तो अपना ये फास्ट वास्ट रखते हैं। मैं तो अगर फास्ट वास्ट कुछ रखता नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी इन चीज़ों पर विश्वास किया, तो मैं अभी निकलता हूँ, रेडी में हो गया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, वहाँ से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अगर हम यहाँ से कहीं से लेते हैं तो यहाँ पर मिलावट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मैं थोड़ा गांव की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको मिठाई दुकान दिखाऊँगा, वहाँ बहुत अच्छी मिठाई मिलती है और बिल्कुल प्योर, बिल्कुल मिलावट नहीं होती ज़रा सी भी। तो वहाँ से हम लेके आते हैं, बहुत अच्छी होती है और नुकसान बिल्कुल नहीं देती, वो मिठाई हम खाएँगे। मैं तो अवॉइड ही कर रहा खा कर, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, चलते हैं। तो गाइज हम निकल चुके हैं फाइनली और ये हमारा दोस्त है एक हर्ष, हेलो गाइस, ये हमारे साथ जा रहा है, वेलकम टू आवर चैनल। और अभी हम चल रहे हैं और अभी ये मदद करेगा क्योंकि मैं तो गाड़ी चलाऊंगा, अरे भैया कैमरा पकड़ने में मदद करेंगे। अब चलते हैं बाहर, दिखाते तो हम बाहर का व्यू बड़ा अच्छा है आज का। दोस्तों हम काफ़ी देर ड्राइविंग करने वाला आ चुके हैं लोनी, लोनी में लग रहा जाम, अभी हम रुके, कुछ भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, खा के फिर हम चलते हैं क्योंकि भी हमें काफ़ी आगे जाना है, लेकिन मजा आएगा ड्राइविंग करते हुए, इसलिए पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। अब खाने के लिए भेजा है भाई को, अभी वेज बिरयानी लेकर आ रहा हूँ, बिरयानी खाएंगे, देखते हैं कौन सी बिरयानी लेकर आ रहा है, वो बिरयानी खाएंगे, खा के फिर हम चलते हैं आगे, फिर निकलेंगे, फिर उधर से लेके आएंगे जो भी लाना है, जो मम्मी ने बोला है मेरे को लाने के लिए तो वो लेके आऊँगा, क्योंकि उनका तो फास्ट है, हम तो रखते नहीं है, तो वो रखते हैं, तो उनके मैं नहीं चाहता किसी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया जाए। जब हम गुजर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के नीचे से, आप देखिए ऊपर ये नेशनल हाईवे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का, नीचे अलग रोड बना हुआ है, ऊपर से अलग जा रहा है हमारा हाईवे, तो हम भी नीचे जा रहे हैं। तो अभी हो रही है बारिश, एकदम सडनली एकदम मौसम हो गया चेंज, मौसम बारिश धीरे धीरे आप देख सकते हैं शीशे मिरर पर आ रहे हैं, बारिश हल्की हल्की बारिश, अभी इसके नीचे जितना चलेंगे उसके बाद चलेंगे बाहर का रोड आ जाएगा हमारा, काफ़ी हद तक इसका काम हो गया पूरा, और उसने हो जाने के बाद फिर उसके ऊपर से जाया करेंगे हम लोग। तो अभी हम नीचे चलना पड़ेगा, अभी चालू हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रायल हुआ है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं टोनिक सिटी, हमारे लेफ्ट साइड में टोनिक सिटी और राइट साइड में टोनिक सिटी, यहाँ हम देखिए अब कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत जल्दी यहाँ पर डेवलपमेंट हुई इसके बनने से ना, हाईवे बनने से बहुत जल्दी यहाँ तरक्की आ गई। देखिए नीचे ही बड़ा अच्छा रोड बनाया है उन्होंने, ऊपर तो मतलब बेहतरीन बनाया बनाया, लेकिन नीचे बहुत अच्छा बनाया, सामने इधर दोनों साइड ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है नीचे चलने में। इस रोड पर कभी हम जाते थे बहुत जाम लगता था, वो मतलब परेशान हो जाते थे हमारे, लेकिन आज देखिए स्मूथली गाड़ी चल रही है एकदम, थोड़ा सा रिश्ता रह गया है लेकिन कुछ दिन में बन जाएगा टोनिक सिटी तक, टोनिक सिटी से आगे बढ़िया रोड बन रहा है एकदम, नाटन आप बिना किसी दिक्कत के जा सकते हैं। कुछ सेकेंड भी बना गया जगह जगह पॉइंट के, यहाँ भी खेकड़ा आ गया भैया, लोग देखेंगे यहाँ खेकड़ा पहुँच के, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो गया एकदम, बारिश हो रही है और रोड एकदम अभी, लेकिन धूप तो निकल गई तो तुरंत, ये देखिए दिल्ली देहरादून हाईवे कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, गाड़ी बहुत मज़ा आ रहा है अभी यहाँ चलाने में, इधर ग्रीनरी दोनों तरफ ग्रीनरी है, पूरी हाईवे बना हुआ और कुछ दिनों में चालू हो जाएगा। देखिए गाइस सामने फेरी फेला आ गए, हम बहुत जल्दी पहुंच गए,
गाड़ी से बाइक या स्कूटी से तो टाइम लगता है, लेकिन गाड़ी से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हम जो जल्दी आ गए, यहाँ से दो रोड कट जाते हैं, एक ये फेरी फेरी सोनीपत हरियाणा के जोड़ते हुए सीधा, ये सीधा दिल्ली दहनुमान हाईवे। बहुत अच्छे नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम कर दिया इधर, आज तक नहीं हुआ, अभी तक ऐसे लोग यहाँ पे पड़े। तो गाइस ये घेवर है, बहुत फेमस है यहाँ का, और इसको लेने के लिए, इसको खाने के लिए हम इतने दूर आए हैं, 25 किलोमीटर चल के। और देखिए कितना टेस्टी, इसको बिल्कुल मिलावट नहीं है इस घेवर के अंदर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप देखिए पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। पूरा बहुत देर में नंबर आता है। चलो हम इसको एंजॉय करते हैं फिलहाल, और आप तब तक देखते रहिए, आप इसे देख सकते हैं। बाकी आप खाना हो तो बागपत से एक खेकड़ा गांव है, इससे 4 किलोमीटर आगे है। तो गाइस हमने फाइनली खा लिया है, और खा के अभी हमारा बच भी गया ये रखा है, वो खाया नहीं जा रहा, प्योर देसी का माल है। और इतना मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो अभी हम चलते हैं घर, घर भी निकल रहे हैं, मम्मी इंतजार कर रही होगी क्योंकि फास्ट का सामान उनको बनाना है। बारिश देखिए कितनी तेज बारिश हुई है अभी, एकदम से जैसे ही एंट्री करी हमने टोन कर दी, बहुत तेज बारिश। एकदम तकड़ी आवाज, जोरदार, बहुत अच्छा। हम गाड़ी ले आए आज, हम तो स्कूटी जा रहे हैं, वरना हम तो भीग जाते आज, आज हमारा घेवर भीग जाता पूरा। राजू का जो दोस्त मिले, राजू से पहली बार पप्पी ली सालों ने, राजू राजू कई पप्पी ली सालों ने। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, आज का चैलेंज लिया हमारे भाई ने, 27वीं मंजिल पे जाएंगे जीनो से, कितना 25 मंजिल जीनो चल रहे हैं, तो जीनो चलते जा रहे हैं सारे लोग। इधर आ ले, इधर ट्वेंटी वन दोस्त you
25